हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, इस वीक का रॉ होने वाला है रॉयल रंबल से पहले का सेकेंड लास्ट रॉ, जिसकी वजह से हमें कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है। चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला है, रिटर्न देखने को मिलने वाला है, इसके अलावा और भी कई सारी बड़ी चीजें। एंड आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। साथ ही साथ दी शील्ड से रिलेटेड भी मेरे पास कुछ अपडेट है। तो सबसे पहले हम इस वीक के रॉ से ही कर लेते हैं शुरुआत। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर का रिटर्न। तो गुंथर हमें लगभग एक महीनों से WWE में देखने को नहीं मिल रहे और उन्होंने कहा भी था कि वो ब्रेक लेने वाले, बट फाइनली इस वीक वो आने वाले हैं वापस। एंड उनके जाने के बाद हमें काफी कुछ देखने को मिला, क्योंकि इंपीरियम की फ्यूड हमें स्टार्ट होते हुए दिखी जे उसो एंड कोफी किंगस्टन के अगेंस्ट। और लास्ट वीक तो लुडविक काइजर ने काफी बुरी तरह से अटैक किया कोफी किंगस्टन पर, तो देखकर लग रहा है वो इस वीक के रॉ में नहीं आने वाले। यानी कि इस वीक के रॉ में अगर कोई गुंथर के सामने आने वाला है तो वो होने वाले हैं मेन इवेंट जे उसो, और मे बी वही होने वाले गुंथर के नेक्स्ट चैलेंजर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और अगर गुंथर अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले रॉयल रंबल में, देन इनका मैच हमें रॉयल रंबल के लिए होते हुए भी दिख सकता है ऑफिशियल। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है एक टैग टीम मैच द मिज एंड आर्थ्रूथ वर्सेस फिन बैलर एंड डैमियन प्रीस्ट के बीच। तो जैसा कि मिज एंड आर्थ्रूथ की टीम हमें कुछ हफ्तों से देखने को मिल रही है, बट आर्थ्रूथ अपने आप को जजमेंट डे का भी मेंबर मानते हैं और इस वीक अगेन वो जजमेंट डे के बंदे को ही फेस करने वाले। अब चांसेस कमी है कि यहाँ पर फिन बैलर या फिर डैमियन प्रीस्ट में से कोई पिन होने वाला है, यानी कि हमें जीत होते हुए दिख सकती है जजमेंट डे की। नहीं तो अगर WWE यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहती है तो आर्थ्रूथ हमें रोल अप पिन वगैरह करते हुए दिख सकते हैं डैमियन प्रीस्ट को। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है डोमिनिक एंड JD मैकडोनाव वर्सेस DIY के बीच। तो जैसा कि लास्ट वीक तो चैंपियन ने हरा दिया फिन बैलर को, यानी कि अब उनकी टीम को मिलने वाली है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी। सो अभी तो WWE उन्हें वीक दिखाना नहीं चाहेगी, इसलिए वो हमें हराते हुए दिख सकते हैं डोमिनिक एंड JD मैकडोना को। वही गाइस, आप सबको बता दूं WWE ने CM Punk को कंफर्म कर दिया है एलिमिनेशन चैम्बर प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, यानी कि वो वहां पर हमें लाइव देखने को मिलने वाले हैं। और जैसा कि लास्ट वीक जो हमें फेस टू फेस सेगमेंट देखने को मिला था ड्रू मैकइंटायर एंड CM Punk का, उसके बाद ही से ऐसी स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि सेथ रॉलिंस और CM Punk के फ्यूड से पहले ये फ्यूड हमें WWE में देखने को मिल सकती है। और मे भी हो सकता है हमें इनका मैच एलिमिनेशन चैम्बर प्रीमियम लाइव इवेंट में ही होता हुआ दिखे। और ड्रू मैकइंटायर ने अपने सोशल मीडिया के थ्रू एक वीडियो भी अपलोड किया CM Punk पर, उन्हें हाइपोक्रिट कहते हुए। और CM Punk को तो WWE ने इस वीक के रॉ के लिए एडवर्टाइज नहीं किया, यानी कि मे बी वो हमें देखने को नहीं मिलने वाले, बट हाँ ड्रू मैकइंटायर जरूर से देखने को मिल सकते हैं और वो हमें एक प्रोमो कट करते हुए दिख सकते CM Punk पर एंड रॉयल रंबल को करते हुए दिख सकते हाइप। और फाइनली जिस थिंग को WWE ने इस वीक के रॉ के लिए कर दिया है ऑफिशियल, वो है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस जिंदर महल के बीच। तो जैसा कि हमें लास्ट वीक के रॉ में सेथ रॉलिंस के सामने जिंदर महल आते हुए दिखते और जिंदर महल उनसे एक मैच मांगते हुए दिखते, फिर उन्होंने एट द एंड अटैक भी कर दिया सेथ रॉलिंस पर, बट सेथ रॉलिंस काउंटर करते हैं। उसके बाद इनका मैच हो जाता है ऑफिशियल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और अगर आप सब चैनल से जुड़े हुए होंगे तो आप सबको पता ही है टोनी खान के साथ जो भी सीन हुआ है जिंदर महल का, उसके बाद से सोशल मीडिया पर तो जिंदर महल को काफी खतरनाक सपोर्ट मिल रहा है। अब लेट्स सी कि इस वीक के रॉ में जब वो सेथ रॉलिंस के सामने आते हैं, देन क्या फैंस उन्हें हमेशा की तरह पूरी तरह से बुक करते हैं या फिर उन्हें हमें सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखता है। बट हाँ, उनके न्यू चैंपियन बनने के बारे में बात कर ली जाए, देन इसके बारे में हम सबने पहले काफी ज्यादा डिटेल में बात की है, यानी कि अगर यहाँ पर कैश इन वगैरह होता है तब हमें जिंदर महल चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं, नहीं तो ज्यादा चांसेस यही है कि सेथ रॉलिंस हमें रिटेन करते हुए दिखने वाले अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। यानी कि अगर जिंदर महल के इस हाइप को WWE यूज करना चाहती है तो जिंदर महल को WWE शॉर्ट टर्म के लिए हमें बनाते हुए दिख सकती है चैंपियन, फिर बाद में चलकर सेथ रॉलिंस वापस से जीत जाएंगे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो गाइस, यही वो चीजें थी जो कि हमें देखने को मिल सकती है इस वीक के रॉ में। वैसे आपको क्या लगता है रॉ से एज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन कौन निकलने वाला है, सेथ रॉलिंस, जिंदर महल या फिर डैमियन प्रीस्ट, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए दी शील्ड से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो जब से HHH कंट्रोल में आए, देन हमें शील्ड मेंशन होते हुए नहीं दिख रही थी WWE में, और मे बी इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि HHH चाहते हो कि डीन एम्ब्रोस को कोई भी याद ना करे अभी WWE में, बिकॉज वो वर्क कर रहे हैं अभी AEW के साथ। लेकिन गाइस, स्मैकडाउन में हो चुका है काफी कुछ बड़ा, जो कि आप में से काफी सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि स्मैकडाउन के एंडिंग में हमें रैंडी ऑर्टन, एले नाइट एंड AJ स्टाइल्स शील्ड का ट्रिपल पावर बॉम्ब लगाते हुए दिखते हैं सोलो सिक्वा पर। और जब HHH ने ये चीज करी है तो डेफिनेटली से
इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, यानी कि WWE ऐसा दिखाना चाहती थी, नहीं तो हो सकता था कि हमें एक ही सुपरस्टार लगाते हुए दिखे पावर बम, बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। अब इसका मतलब ये नहीं कि डीन एम्ब्रोस का रिटर्न काफी जल्द होने वाला है, बट हाँ इसका मतलब ये है कि शील्ड हमें वापस से WWE में डेफिनेटली से बनते हुए दिखने वाली है, और ट्रिपल एच ने बस शील्ड को हम सभी को रिमाइंड करवाया है। तो आपने क्या ये चीज नोटिस की थी स्मैकडाउन में, वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।